हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू मिस्टिक लव टैरो। मेरा नाम ऐश्वर्या है एंड थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग आवर सोल फैमिली। आई होप आप सब सेफ रहें, अपने घरों में रहें और ठीक रहें। इस वक्त हम सबको एक दूसरे का साथ देना है, तो अपनी सेफ्टी और प्रिकॉशंस का पूरा ध्यान रखें। तो आज की टॉपिक है चैनल मैसेज फ्रॉम योर पर्सन। तो ये कोई ऐसे हो सकते हैं जिनके साथ आप कम्युनिकेशन में नहीं हो, शायद आपके एक्स या फिर आपके करंट लव इंटरेस्ट, जिनके साथ आप मिनिमम कांटेक्ट में हैं या बहुत ही इन एंड आउट एनर्जी है और आप जानना चाहते हैं कि वो क्या फील करते हैं। तो यहाँ मेरे पास एक चैनल लेटर है जिससे हमें ये पता चलेगा कि अगर वो आपसे अभी कुछ कहना चाहते हैं तो क्या कहना चाहते हैं। और उसके साथ एक चैनल सॉन्ग भी है और आज मैं उनके दिल में क्या है आपके लिए वो भी चैनल करूँगी। तो हम और डिटेल्स जानने की कोशिश करेंगे। बट उससे पहले थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। मुझे मोटिवेशन मिलती है कि मैं और अच्छे कंटेंट लेकर आऊँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये जनरल रीडिंग्स है गाइस, तो सारे मैसेजेस शायद आपके लिए ना हो तो उन्हें कंसिडर करें जिनसे आप कनेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर तीन पाइल्स हैं हमारे पास। पाइल नंबर वन, बटरफ्लाई। पाइल नंबर टू, स्टार। पाइल नंबर थ्री, कैट। तो आप अपनी इंट्यूशन यूज़ करें और अपने पाइल सेलेक्ट करें। आप एक से ज़्यादा पाइल भी चूज़ कर सकते हैं। तो चलिए आपकी रीडिंग्स शुरू करते हैं। पाइल नंबर वन, जिन्होंने ये बटरफ्लाई चूज़ किया, ये आपकी रीडिंग है। तो हमारे पास यहाँ पे एक लेटर है, चैनल्ड सॉन्ग है यहाँ पे। तो ये मैं एंड में बताऊँगी। और पहले हम लेटर में देखते हैं कि वो आपको अगर अभी कुछ कहना चाहते तो क्या कहते। आई एम सॉरी आई हर्ट यू। आई डोंट नो इफ आई कुड डू एनी बेटर। आई डोंट नो इफ वी कैन बी टुगेदर। माई लाइफ इज़ अ मेस राइट नाउ। You don't have to be a part of this mess. I know I could have done things in the right manner, but in that moment, I didn't know any better. I want to fix things in my life. Maybe it's too late for us. तो चलिए देखते हैं कि उनके दिल में क्या है आपके लिए। और ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, तो आपके इंटरेस्ट मेल हो या फीमेल हो, ये दोनों के लिए है। बट मैं अपनी कन्वीनियंस के लिए मेल प्रोनाउन यूज़ करूँगी। तो मैं अभी मैसेजेस चैनल करूँगी कि उनके दिल में क्या है आपके लिए, वो क्या कहना चाहेंगे। मैं बेवकूफ़ था कि तुम्हारी कद्र नहीं की। जब मैंने ये समझा तो मुझसे दूर जा चुकी थी। मुझे लगा मैं सब कुछ फिगर आउट कर लूँगा। मैं इम्पल्सिव था, मैंने बिना सोचे समझे एक्ट किया। मैं दुनिया को एक्सप्लोर करना चाहता था, नए लोगों से मिलना चाहता था, नए एक्सपीरियंस लेना चाहता था। तुम हमेशा मेरे साथ काइंड, अंडरस्टैंडिंग और पेशेंट थी। तब भी जब मैंने तुम्हें अच्छे से ट्रीट नहीं किया, मैंने तुम्हें ग्रांटेड लिया, पर फिर भी तुमने मेरी केयर की। अब मैं अपने आप को तुम्हारे सामने बहुत छोटा महसूस करता हूं। तुम हमेशा मेरे साथ थी जब मुझे किसी की जरूरत थी, बट मैं तुम्हारे साथ नहीं था जब तुम्हें मेरी जरूरत थी। मुझे लगा था मैं सब कुछ फेस करने के लिए तैयार हूँ, सब कुछ से डील कर लूँगा। मैंने फेक लोगों पे तुमसे ज़्यादा ट्रस्ट किया। मुझे लगा वो मेरा भला चाहते थे, बट अब मुझे पता है तुम्हारा प्यार सच्चा था। तुम मेरी दोस्त, वेल विशर, एडवाइज़र सब थी, और फिर भी मैंने तुम्हें डिसअपॉइंट किया।
मैं पावरफुल फील करना चाहता था, लीडर बनना चाहता था, सक्सेस के पीछे भाग रहा था। मैं सीरियस रिश्तों में फंसना नहीं चाहता था, पर अब मैं समझ गया हूँ, मेरे पास पावर तो है, पर इस प्रोसेस में मैंने तुम्हें खो दिया। मेरे दिमाग में इतनी सारी चीजें थी, इतने ऑप्शंस थे कि तुम जिस इम्पोर्टेंस की हकदार थी, मैंने वो तुम्हें नहीं दिया। मैं अपने सपनों को पूरा करना चाहता था, मैं अपने लाइफ गोल्स को लेके पैशनेट था, मैं सिर्फ आगे बढ़ना चाहता था, सब कुछ जल्दी पाना चाहता था। अब मैंने बहुत कुछ हासिल कर लिया है और उसकी कीमत चुका रहा हूँ। मुझे लगा अगर अपने ड्रीम्स को पूरी कर लूँगा तो एक एम्परर के जैसा फील करूँगा, पर अब भी लाइफ में कुछ मिसिंग है। मैं बैठ के अपने लाइफ चॉइसेस के बारे में सोचता हूँ, मुझे अपने गलतियों के बारे में रियलाइज हो रहा है, मुझे समझ आ रहा है कि मैंने तुम्हें कैसे ट्रीट किया। तुम बहुत अच्छा डिजर्व करती हो। मैं परेशान होता हूँ, गिल्टी फील करता हूँ, सोचता हूँ कि काश मैं पीछे जाके सब कुछ ठीक कर सकता। हमने इस रिश्ते में एक लंबा सफर तय किया है। आई विश मैं काइंड होता तुम्हारे साथ। तो मुझे लगता है कि ये जो भी हैं वो काफ़ी गिल्टी फील करते हैं किसी चीज़ को लेके, तो चलिए देखते हैं वो क्या है। तो जिसके साथ आप डील कर रहे हैं उनके साथ एक हिस्ट्री है आपकी, जैसे आप एक दूसरे को काफ़ी वक्त से जानते हो और आपकी इक्वेशन बहुत हॉट एंड कोल्ड, ऑन एंड ऑफ टाइप की रही है। तो कभी ऐसा लगता था कि वो आपको बहुत इम्पोर्टेंस दे रहे हों और फिर कभी बहुत दिनों तक आपकी बात नहीं होती थी उनसे, और शायद वो अपने ऑप्शंस ओपन रखना चाहते थे। बहुत इमेच्योर एनर्जी है और मुझे लगता है कि उनकी इस इनकंसिस्टेंट बिहेवियर से आप बिल्कुल तंग आ गए, और अब वो काफ़ी समझदार हो गए हैं और आपके बारे में सोचते हैं। अब वो चीज़ों को अलग तरीके से देख पा रहे हैं। मुझे लगता है कि वो अपने सपनों के पीछे भाग रहे थे। कुछ लोगों के लिए ये थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है जिसके वजह से उन्होंने बाकी सब कुछ इग्नोर किया, और आप भी उनमें से एक थे। बट अब मुझे लगता है कि वो वापस आना चाहते हैं, आप दोनों के बीच चीज़ें वर्कआउट करना चाहते हैं या माफ़ी मांगना चाहते हैं, पर शायद हिम्मत नहीं होती क्योंकि वो खुद को आपके सामने बहुत छोटा महसूस करते हैं कि आप उनके लाइफ में एक अच्छी चीज़ थे जिसे उन्होंने खुद ही डिस्ट्रॉय कर दिया। उन्हें अभी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, वो बहुत कुछ रियलाइज़ कर रहे हैं। तो ये मुझे लगता है कि बहुत वर्कोहॉलिक होंगे या फिर बहुत ही प्लेयर टाइप की एनर्जी है, जैसे कि काफ़ी ऑप्शंस थे उनके पास आपके अलावा, बट अब वो मैच्योरिटी आ गई है। और मुझे ये भी लगता है कि इन्होंने आपसे ज़्यादा दूसरों पर ट्रस्ट किया, शायद फैमिली या कोई फ्रेंड, और हमेशा आपके ऊपर उन्हें चूज़ करते थे। कुछ लोगों के लिए इन लोगों ने आपके कनेक्शन में इंटरफेयर किया और उसके वजह से भी दूरी आ गई। और लेटर में भी उन्होंने कहा कि उन्हें पता है कि उन्होंने आपको हर्ट किया है और वो माफ़ी मांगना चाहते हैं। वो पास्ट के बारे में बहुत सोचते हैं कि वो कैसे इमेच्योर थे, यू नो, कैसे वो सीरियस नहीं होना चाहते थे, कोई कमिटमेंट नहीं चाहते थे, जैसे कि बहुत ही प्लेफुल कनेक्शन था और आपके दिल में उनके लिए एक सॉफ्ट स्पॉट थी क्योंकि आप उन्हें पसंद करते थे, तो आप उनके इस हॉट और कोल्ड बिहेवियर को भी टॉलरेट करते थे। बट मुझे लगता है कि 2020 ये साल बहुत ही पावरफुल है और ये हम सबको अपने पावर में लेके आ रही है। तो आप सब में से बहुत लोगों ने अपनी वैल्यू समझी है और आप अपने लाइफ में एक बैलेंस लेके आना चाहते हैं, क्योंकि अब क्लाइमैक्स का टाइम आ गया है। या तो आपने डिसाइड कर लिया है कि आप मूव ऑन करना चाहते हो, या फिर वो एफर्ट करेंगे और आप अपने ऊपर ही फोकस करोगे, तो बिल्कुल आप अपने पावर में रहोगे। तो हो सकता है कि ये एक फायर साइन हो, एरीज स्ट्रॉन्गली निकल के आ रही है, बट लियो या सजिटेरियस भी हो सकते हैं।
तो चलिए देखते हैं कि आपके लिए कौन से सॉन्ग्स मैंने चैनल किए हैं। तो ये है एक कुड़ी फ्रॉम द मूवी उड़ता पंजाब, और अगर आप इंग्लिश गाने सुनते हैं तो गिव मी लव, एड शीरन इसके सिंगर हैं, तो आप ये गाना देख सकते हैं, इसके लिरिक्स देख सकते हैं अगर आप चाहें तो। तो आई थिंक आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर अच्छी लगे तो कॉमेंट करके ज़रूर बताएं और लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मच लव एंड लाइट, बाय बाय, सी यू। वेलकम पाइल नंबर टू। तो जिन्होंने ये स्टार चूज़ किया ये आपकी रीडिंग है। तो हमारे पास यहाँ पे एक लेटर है और ये चैनल्ड सॉन्ग है और इसे मैं रीडिंग के एंड में बताऊँगी। और अभी हम देखते हैं कि अगर वो अभी आपसे कुछ कहना चाहते हैं तो क्या कहना चाहते हैं। आई वॉन्ट टू कम बैक बट आर यू विलिंग टू एक्सेप्ट। आई थिंक यू आर ओवर मी। आई वंडर हैव यू मूव्ड ऑन और आर यू स्टिल वेटिंग फॉर मी। आई स्टिल गो बैक टू आर मेमोरीज एंड थिंक हाउ आई लॉस्ट यू। आई नो आई मेड अ मिस्टेक। I don't think I deserve you. Maybe it's better we are not together anymore. तो यहाँ पे लगता है कि उन्होंने कुछ बड़ी गलती की है। तो चलिए देखते हैं कि उनके दिल में क्या है आपके लिए और जानने की कोशिश करते हैं। तो मैं अभी मैसेजेस चैनल करूँगी और ये किसी स्पेसिफिक जेंडर को लेके नहीं है। तो आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट मेल हो या फीमेल, ये दोनों के लिए है। बट कन्वीनियंस के लिए मैं मेल प्रोनाउन यूज़ करूँगी। ओके, तो चलिए मैसेजेस चैनल करते हैं कि क्या है उनके दिल में। जब मैं तुमसे मिला मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि कोई मुझे इतना ज़िंदा फील करवा सकता है। तुम मेरी ज़िंदगी में एक रोशनी की किरण बन गई। मैंने अपने लाइफ में किसी इंसान को तुम्हारे जैसा सच्चा और कॉन्फिडेंट नहीं देखा। अपने डार्क टाइम में भी मुझे पता है कि मैं तुम्हारा सहारा ले सकता हूँ। तुम्हारी प्योरिटी तुम्हें यूनिक बनाती है। पर क्या मैं तुम्हें डिजर्व करता हूँ? तुम दयालु हो और हमेशा खुद से ज़्यादा दूसरों के बारे में सोचती हो। कभी कभी सोचता हूँ कोई इतना अंडरस्टैंडिंग कैसे हो सकता है। तुम हमेशा लोगों में अच्छाई देखती हो। जब तुम मेरे साथ थी मैं बहुत खुश था। मुझे पता था मैंने प्यार वहाँ पाया जहाँ शायद मैंने सोचा भी नहीं था। हम एक दूसरे से बहुत अलग हैं। तुम यंग, ब्राइट, होपफुल और कॉन्फिडेंट हो और मुझे लगता है मैंने तुम्हें चीट किया। तुमने मुझ पे ट्रस्ट किया और मैंने तुम्हें धोखा दिया। मैंने तुम्हें सच्चाई नहीं बताई क्योंकि मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता था। पर तुम्हारा दिल मैंने फिर भी तोड़ा। मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हुई। मुझे तुम्हारे साथ सच्चा रहना चाहिए था पर मैं सेल्फिश हो गया। मैं खुश रहना चाहता था और इसलिए तुमसे सच्चाई छुपाई। यकीन मानो ये मेरे लिए भी आसान नहीं था। तुम मेरे लिए बहुत स्पेशल थी। हर बार जब सच्चाई बताने की कोशिश करता तुम्हें खोने का डर मुझे रोक लेता। मुझे माफ करो, तुम्हारे साथ रियल नहीं रह पाया। हमेशा ये सोचते रहता हूँ कि कौन से रास्ते पे चलूँ, तुम्हें सब कुछ बता दूँ या फिर छुपा के रखूँ। शायद मैं ये जानता था कि तुम्हें हर हालत में खो दूँगा। ये मेरे लाइफ की एक बहुत ही टफ डिसीजन थी। मुझे पता है तुम सोचती हो मैंने तुम्हें झूठ कहा और तुम्हारा गुस्सा जायज़ है, पर काश तुम सच जान पाती। तुम्हारी पावर, प्यार
प्योरिटी और ट्रस्ट ने मुझे अपनी सच्चाई तुम्हें बताने नहीं दी। मैं सिर्फ उस वक्त अपनी खुशी के बारे में सोच रहा था। मैं तुम्हें दूर से देखता हूँ, क्या तुमने मुझे भुला दिया? क्या तुम मूव ऑन कर गई? अगर मैं वापस आऊँ, क्या तुम मुझ पे यकीन करोगी? तो गाइस, ये उनके दिल में है, ये वो आपसे कहना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि ये एयर साइन हो सकते हैं, लीब्रा, एक्वेरियस और जेमिनी। मुझे ये फील हो रहा है कि उन्होंने आपसे कुछ छुपाया है। जब आपसे मिले होंगे, शायद वो शादीशुदा होंगे या फिर ऑलरेडी किसी के साथ इन्वॉल्व होंगे, या फिर उनकी एक फैमिली होगी, यू नो, बच्चे या कोई सीक्रेट तो थी। शायद ये बहुत ओपन नहीं थे, बहुत शेयर नहीं करते होंगे या बातें ज़्यादा नहीं करते होंगे, या ये भी हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए उन्होंने आपको एक सीक्रेट रखा था। और मुझे लगता है कि आप वाटर साइन होंगे, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, या फिर कोई और साइन भी हो सकते हैं, पर आप बहुत इंट्यूटिव हो। आप हीलर या एम्पैथ हो सकते हो, या किसी तरह के टीचर हो सकते हो, आर्ट्स, डांस, म्यूजिक, स्पिरिचुअल, या फिर आपको एनिमल्स पसंद है, शायद आपके पास पेट्स हैं, या आप वेटरनेरियन हो। तो आप बहुत सेंसिटिव भी हो, तो क्योंकि आपकी इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग है, शायद आपको पहले से ही पता था कि वो आपसे कुछ छुपा रहे हैं, पर आपने पेशेंटली और कामली डील किया, और शायद आपने सोचा कि जब वो कंफर्टेबल फील करेंगे तो खुद आपसे बता देंगे। बट मुझे लगता है कि जब उनकी सीक्रेट बाहर आ गई तो वो आपके लिए बहुत ही शॉकिंग थी, जैसे कि वो पकड़े गए हों। और कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है उन्होंने आप पे चीट किया। मुझे लगता है कि आप इस सीक्रेट के लिए रेडी नहीं थे और आपका ट्रस्ट टूट गया। कुछ लोगों के लिए आपने उनसे कम्युनिकेशन बंद कर दी, और उन्होंने कोशिश की होगी एक्सप्लेनेशन देने की, बट आपने उनकी कोई बात नहीं सुनी। और उन्हें नहीं लगा था कि आप ऐसे रिएक्ट करोगे उन्हें लेके। उन्हें लगा वो फिर भी चीज़ों को क्लियर कर लेंगे आपके साथ, बट आप क्लियर थे अपने डिसीजन को लेके कि आप उनसे नहीं बात करना चाहते थे। और दूसरों के लिए मुझे लगता है कि जब वो पकड़े गए तो शर्मिंदगी या गिल्ट के वजह से उन्होंने आपसे डिस्टेंस बनाना शुरू कर दिया, जैसे उन्हें पता था कि एक दिन उनका सच सामने आ ही जाएगा। मुझे लगता है कि आप काफ़ी समय से कम्युनिकेशन में नहीं हो, बट अब शायद वो आपसे बात करना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि उन्होंने अपने पुराने रिश्तों को एंड कर दिया है। अगर वो मैरिड थे तो उन्होंने मैरिज को एंड कर दिया है, या फिर सेपरेट हो गए होंगे या चाहते हैं एंड करना, बट ये कुछ लोगों के लिए हो सकता है। तो आप मैसेजेस अपने सिचुएशन के हिसाब से कंसिडर करें। और मुझे लगता है कि ये शायद उम्र में आपसे बड़े हो सकते हैं। मुझे ये भी लग रहा है कि वो वापस आना चाहते हैं, वो कम्युनिकेट करना चाहते हैं, हमारे पास से कम्युनिकेशन इज की। और लेटर भी यही कहती है कि आई नो आई मेड अ मिस्टेक, तो उन्हें शायद पता है कि उनकी गलती माफ़ी के काबिल नहीं है। तो क्योंकि कम्युनिकेशन नहीं है आप लोगों के बीच, हो सकता है वो आपको सोशल मीडिया पे फॉलो करते होंगे या दूर से देखते हैं, और उन्हें नहीं पता कि आप मूव ऑन कर गए हो या उनका इंतज़ार कर रहे हो। और क्योंकि आप उन पे अब ट्रस्ट नहीं करते, वो ये जानते हैं, तो उन्हें हिम्मत भी नहीं हो रही कॉन्टैक्ट करने की। उन्हें लगता है कि ठीक ही है कि आप दोनों साथ नहीं हो। तो चलिए देखते हैं कि आपके लिए कौन से सॉन्ग्स हैं मेरे पास। तो हमारे पास है कैसे हुआ फ्रॉम द मूवी कबीर सिंह, और ये एक इंग्लिश सॉन्ग है, अगर आप सुनना चाहो तो आप सुन सकते हो। आई वॉन्ट गिव अप बाय जेसन मराज। तो गाइज, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई। अगर आई तो प्लीज लाइक, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मच लव एंड लाइट, बाय बाय। वेलकम पाइल नंबर 3, जिन्होंने ये कैट चूज किया, ये आपकी रीडिंग है। तो यहाँ पे मेरे पास एक लेटर है और ये चैनल्ड सॉन्ग है जो मैं रीडिंग के एंड में बताऊंगी। पहले देखते हैं कि अगर वो आपसे अभी कुछ कहना चाहते हैं तो वो क्या कहना चाहते हैं। I treated you like an option, but I had no idea I would like you more than I expected. It is difficult to walk away from someone so special like you, but maybe I am not the one for you. I want to see how powerful this connection is
while we are apart. तो चलिए अब जानते हैं, अभी मैं चैनल करूंगी कि उनके दिल में क्या है आपके लिए. तो ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट मेल हो या फीमेल, ये दोनों पे अप्लाई होगा. पर अपने कन्वीनियंस के लिए मैं मेल प्रोनाउन यूज करूंगी. तो चलिए देखते हैं कि उनके दिल में आपके लिए क्या है. मैं तुम्हें डिसअपॉइंट करने से डरता हूं, मुझे नहीं लगता मैं तुम्हारे लिए सही हूं. तुम अपने आप को देखो, पावरफुल, स्ट्रॉन्ग, ब्यूटीफुल, ब्राइट. तुम्हारे जिंदगी में किसी चीज की कमी नहीं है, फिर तुम मुझे कैसे चाहोगी? तुम मुझ जैसे इंसान से कैसे प्यार कर सकती हो? तुम ब्यूटी के सिंबल हो मेरे लिए. तुम्हें देख के खो जाता हूं और तुम्हारे प्रेजेंस मुझे नर्वस बना देती है. मैं समझ नहीं पाता हूं ये सच है या एक सपना. मैं अपनी जिंदगी में उलझा हुआ हूं, तुम्हारी तरह स्ट्रॉन्ग नहीं हूं, और यही कारण है कि मैं तुम्हें कह नहीं सकता कि तुम्हें कितना पसंद करता हूं. कहीं मैं तुम्हें शर्मिंदा ना कर दूं. तुम्हारी लाइफ एक सही ट्रैक पे है और मैं अभी भी एक मेस में हूं. मेरे लाइफ में बहुत कुछ चल रहा जिसके बारे में तुम्हें नहीं पता. तुम इंडिपेंडेंट, बोल्ड, साहसी और कॉन्फिडेंट हो और अपना ख्याल खुद रख सकती हो. तुम खुद को सिक्योरिटी दे सकती हो. मैं तुम्हें सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी नहीं दे सकता. क्या मैं वो इंसान हूँ जिसे तुम अपने लाइफ में चाहोगी? मैं हमारे फ्यूचर के सपने देखता हूँ, बट तुम्हारे सामने नहीं आ सकता, एक्सप्रेस नहीं कर सकता कि मैं क्या फील करता हूँ. शायद पहले मुझे अपने लाइफ को सही ट्रैक पे लेके आना है. मैं काम और पैसे पे फोकस करना चाहता हूँ. मैं तुम्हें एक स्टेबल और सिक्योर लाइफ देना चाहता हूँ. ये वक्त है कि मैं खुद पे फोकस करूँ. मैं तुम्हारे एक्सपेक्टेशंस पे खरा उतरना चाहता हूँ. मैं वैसा बनना चाहता हूँ जैसा तुम चाहती हो. शायद हम एक नई शुरुआत कर सकें. कभी कभी मुझे लगता है तुम मेरे बिना ज्यादा खुश रहोगी. तुम्हारे बारे में बहुत सोचा करता हूँ, तुम्हें ऑब्जर्व करता हूँ और नोट्स बनाता हूँ. मैं ऐसा बनना चाहता हूँ जिसे तुम पसंद करो. मैं खोखले वादे नहीं करना चाहता. मैंने ऑलरेडी गलतियाँ करी है और अब तुम मुझसे दूर हो. मुझे समझ नहीं आता कि इस सिचुएशन से कैसे डील करूं जब तुम मुझसे बात नहीं करती. तो मुझे लगता है कि उनके दिल में आपके लिए बहुत प्यार है, और शायद आप अर्थ साइन हो सकते हो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, और वो एयर साइन हो सकते हैं, लीब्रा, एक्वेरियस या जेमिनाई. और मुझे लगता है कि इस रिश्ते में प्यार है और शायद ये इंसान आपके साथ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट चाहते हैं. बट आप दोनों ने एक दूसरे से अभी दूरी बना ली है. आपने भी एक स्टेप पीछे ले लिया है कि वो सामने से आके कुछ एक्सप्रेस करें कि ये कनेक्शन उनके लिए क्या है, और वो शायद अभी रेडी नहीं है. मुझे लगता है कि अभी उन्होंने अपने ऑप्शंस खोल रखे हैं और आप उनके लिए एक हाई स्टैंडर्ड सेट करते हो, और उन्हें लगता है कि वो इस स्टैंडर्ड को मैच नहीं कर पाएंगे. लोगों के लिए ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है, और मुझे लगता है कि शायद वो बहुत सक्सेसफुल हैं लाइफ में, फाइनेंशियली बहुत स्टेबल हैं, और शायद आप नहीं हो. तो फाइनेंस को लेके मुझे लग रहा है कि कुछ तो है, जैसे कि कोई इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा सिक्योर है अपने करियर या काम को लेकर के, और दूसरा इंसान नहीं है जिसके वजह से कॉन्फिडेंस में कमी है या सेल्फ वर्थ लो है. तो आप या वो ये समझते हो कि क्योंकि वो सक्सेसफुल है और उनके लाइफ में सब कुछ है, तो वो आपको क्यों कंसिडर करेंगे,
तो जो भी इस कनेक्शन में स्टेबल नहीं है, उन्होंने डिसाइड किया है कि वो अभी अपने करियर और फाइनेंस पे फोकस करेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि एक नई अपॉर्चुनिटी आ रही है काम को लेके उनके लिए या आपके लिए। तो कुछ लोगों के लिए ये एक नई जॉब हो सकती है, कुछ के लिए प्रमोशन हो सकता है, तो फ्यूचर में मुझे यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी दिख रही है। और इसके वजह से, इस फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के वजह से दूसरे इंसान को ये लगता है कि उन्हें अपने लाइफ में कोई भी अच्छा मिल सकता है, तो वो डेफिनेटली मुझसे प्यार नहीं करते हैं। बट जैसा कि मैं बार बार कह रही हूँ कि इस रिश्ते में प्यार है तो एक नई शुरुआत हो सकती है। और लेटर में भी वो कहते हैं कि वो आपसे खुद दूर होना चाहते हैं क्योंकि वो आपके काबिल बनना चाहते हैं। तो शायद वो अपने लाइफ में बैलेंस लाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि अभी उन्हें लगता है कि वो आपके लायक नहीं है। और मुझे लगता है कि शुरुआत में वो इतने सीरियस नहीं थे आपको लेके, फिर उनकी फीलिंग्स आपके लिए स्ट्रॉन्ग होती गई और शायद इस बार आप भी टायर्ड हो गए हो, तो आपने उन्हें जाने दिया। शायद आप एक कमिटमेंट चाहते थे या फिर आप कुछ सीरियस लेवल पे इस रिश्ते को ले जाना चाहते थे, पर वो अभी शायद रेडी नहीं थे। तो उन्होंने बहुत जाहिर भी नहीं किया कि उनके दिल में क्या है, और बहुत ही स्लो मूविंग एनर्जी है। तो ऐसा लगता है कि वो एक परफेक्ट टाइमिंग का इंतज़ार कर रहे हैं कि जब उनके लाइफ में सब चीज़ें ठीक हो जाए तब वो शायद आपके पास आएंगे। और मुझे लगता है कि ये इंसान जो भी है वो बहुत ही केयरफुली प्लानिंग करते हैं और आपके बारे में सब कुछ जानते हैं, क्योंकि वो बहुत कुछ ऑब्जर्व करते हैं, आपके बारे में रिसर्च करते हैं आपको लेके कि आपको क्या पसंद है क्या ना पसंद है, और वो आपके सामने सब कुछ परफेक्ट करना चाहते हैं। ऐसा लगता है कि उन पे प्रेशर है कि मैं कहीं कोई गलती ना कर दूं, फिर चाहे कितना भी वक्त क्यों ना लग जाए वो चीज़ों को बहुत परफेक्टली करना चाहते हैं। और शायद इसीलिए, जैसा कि मैंने कहा, बहुत ही स्लो है वो एक्शंस लेने में। तो चलिए, आपके लिए क्या चैनल्ड सॉन्ग है वो हम देखते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे है दिल क्यों ये मेरा फ्रॉम द मूवी काइट्स, और अपोलोजाइज फ्रॉम वन रिपब्लिक। तो अगर आप इंग्लिश सॉन्ग सुनते हो तो आप इसे सुन सकते हो। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए। अगर आई तो प्लीज़ लाइक, कॉमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मच लव एंड लाइट। बाय बाय, सी यू।